नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल चौहान में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और वो एक वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो जॉय बन से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले ही डेली मिलते रहते हैं। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, राजस्थान के मौसम भी मौसम का पूरी तरह से जा चुका है। अभी बारिश की कहीं कोई संभावना के नामो निशान नहीं है, बारिश पूरी तरह से जा चुकी है। बात करते जय बान के आवक की, तो फ्रेंड जय बान के आवक में निरंतर कमी आ रही है, क्योंकि इसकी जो मुख्य सहायक नदी है सेई नदी, वहाँ से पानी की आवक में निरंतर कमी आ रही है, क्योंकि फ्रेंड्स बारिश का नहीं होना मुख्य कारण है। बारिश का जैसे 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 बारिश कम होती जा रही है पानी की आवक, वैसे वैसे जयबान के गेज में भी निरंतर कमी आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज के जयबान के गेज की बात की जाए तो आज जयबान का वाटर गेज 54.35 फीट हो चुका है, और आने वाले दिनों में जयबान का वाटर गेज दो से चार दिनों में फ्रेंड्स 56 फीट हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स जयबान के गेज बढ़ने की शायद कोई बहुत संभावना कम हो जाएगी। और फ्रेंड जयबान के भराव क्षमता की बात की, जयबान की जो भराव क्षमता है जो 61.25 फीट है, और उसके बाद है फ्रेंड्स जयबान की 61.25 फीट भराव क्षमता है। जयबान इतना इस बार नहीं भरने की संभावना, इतना नहीं भरेगा, लेकिन फ्रेंड्स इतने जयबान को देखते हुए जयबान के वाटर गेज की बात करें तो अभी 55.35 फीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं जयबान से रिलेटेड लेटेस्ट और सबसे सटीक न्यूज़ आपको डेली प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। उसके बाद में फ्रेंड्स जयबान का गेट खुलने की कोई संभावना नहीं है। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।